हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स हैं। 1 to 4 पार्ट्स मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं, ये फिफ्थ पार्ट इसमें करूंगा। एनसीईआरटी बुक से ये सम लिया गया है। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन 3 में है, इन एन एपी, एक एपी में गिवेन है डी इजकल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड ए एंड ए 9। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे वी हैव डी इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, टू फाइंड ए एंड ए 9। ये करना है, तो ए 9 हमें फाइंड करना है। पहले ए फाइंड कर लेंगे, फिर ए 9 फाइंड करेंगे। तो ए फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, एन भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, S9 75 है, तो लिखेंगे सम ऑफ 9th टर्म 75 है। तो SN का फॉर्मूला हमको मालूम है, सिंस SN इज इक्वल टू N बाय 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन में क्या डाल देंगे, S9 है मेरा, इजकल टू कितना है 9 है, तो यहाँ 9 डाल देंगे, N9 है, तो 9 बाई 2 2A प्लस एन का वैल्यू 9 है, तो 9 माइनस 1 और डी है मेरा 5, तो यहाँ 5 डाल देंगे। ठीक है, अब S9 का वैल्यू है 75, तो यहाँ 75 डाल दिया, 9 बाई 2 ए हो गया 2A प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5 40। ठीक है, अब इसमें 2 इसमें भी ले सकते हैं कॉमन, 40 में भी कॉमन ले सकते हैं, तो पहले 2 कॉमन ले लेंगे। 75 इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए और ये हो गया 20। ठीक है, 2 से ए को किया 2A, 2 को 20 से किया 40, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब 75 9 मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड हो गया यहाँ इक्वल टू ए प्लस 20। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 75 बाई 9 माइनस 20 प्लस है, इधर आ गया माइनस हो गया इक्वल टू ए, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ 20 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो एलसीएम 9 और 1 का 9 ही होगा, तो ये 75 हो गया, और 9 से 20 को मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 है नीचे, 1 से 9 में डिवाइड करेंगे 9 होगा, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 180। ठीक है, तो इससे हम फाइंड कर लेते हैं ए इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो गया, और ये हो गया 17 में से ये गया, तो 105। ठीक है, बाय 9 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए माइनस डाल देंगे आगे में, तो अब ये 9 3 से कटेगा, तो ये होगा 3, ये होगा 35, ये माइनस है यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 35 बाई 3, ये मेरा ए निकल गया। ठीक है, अब निकाल देंगे ए 9 निकाल देंगे, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला ये होता है, तो एन कितना है मेरा 9th टर्म कहता है ए का, तो ए 9 लिख देंगे यहाँ पर, ए है मेरा माइनस 35 बाई 3 प्लस 9 टर्म है, तो 9 माइनस 1 और डी है मेरा 5। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, माइनस 35 बाई 3 प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 इंटू 5 40, फिर करेंगे इसको
तो ये एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -35, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को -35 से मल्टीप्लाई करेंगे -35 होगा, ये प्लस का साइन है तो नीचे 1 मानते हैं, 1 में 3, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 120 हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 11, 11 में से 3 हुआ 8, ये प्लस का साइन ज़्यादा इसलिए प्लस ही रहेगा, ये हो गया 3, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। 85/3, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर, मेरा ए भी निकल गया, A9 भी निकल गया, तो लिख देंगे हेंस A = -35/3 एंड A9 = 85/3, यही इसका आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।